हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ डोमिनो स्टाइल पनीर पिज़्ज़ा। जो सेम मार्केट वाला टेस्ट है, वही स्पंज जो हमें फील होता है मार्केट में, एकदम सॉफ्टनेस वाला, और चीज़ इसमें है बहुत सारा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, जिसमें मैंने लिया है 1/2 TSP इंस्टेंट राइस्ड और पिंच मैदा, चुटकी भर मैदा, और इसको हम गुनगुने पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे उंगलियों से। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट एक्टिवेट होने के लिए। तो जब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है, हम यहाँ पे डो तैयार करने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। एक बर्तन में मैं यहाँ पे लूँगी 1 कप मैदा। ये मेरा 240 ml का एक कप है, तो इसमें 120 ग्राम मैदा आ जाता है। 1/2 tablespoon चीनी, 1/2 TSP नमक और 1/2 tablespoon रिफाइंड ऑयल। इन सबको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ जो हमारा इंस्टेंट राइस्ड वाला पानी है, उसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और उंगली की सहायता से हमें इसका डो तैयार करना है। इसे बहुत ज़्यादा हथेली से मसल मसल के रोटी के आटे जैसा नहीं तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। पानी आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि गुनगुना पानी लेना, आप यहाँ पे नॉर्मल पानी यूज़ करें रूम टेम्परेचर का। और थोड़ा थोड़ा पानी ही एक बार में डालें और अच्छे से इसको मिक्स करके एक डो बना लें। हमें ये डो सिर्फ अभी ऐसा बनाना है कि जो सारा आटा है वो आपस में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं ये आटा सिर्फ फिंगर से ही अभी मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से करके हम एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारा डो इस प्लेट में चिपके ना। और जो डो है हमारा, इस प्लेट में हम इसको रख के मसलेंगे। मसल मसल के हमें इसको एकदम चिकना कर देना है, एकदम स्मूथ। और ये प्रोसेस करने में कम से कम 15 मिनट आपको लग जाएंगे। आप जितना अच्छा इसको स्ट्रेच करके स्मूथ करेंगे डो को, उतना ज़्यादा अच्छा आपका बेस बनेगा पिज़्ज़ा का, और उतना ही सॉफ्ट। तो इस तरीके से मसल मसल के इसको हम चिकना कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं मुझे ऐसा करते हुए, और मेरा आटा जो है वो स्मूथ हो चुका है। तो इसको हम हाथों से एक देंगे बॉल शेप, और जिस बर्तन में हमें इस डो को रखना है वो बर्तन भी आप ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर लें, और उसमें हम रखेंगे इस डो को। और डो के ऊपर भी आप हल्का सा ऑयल लगा दें फिंगर से, ताकि यह आटा सूखे ना। और उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे फूलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी थी मुझे, इसलिए मैंने 1.5 घंटे में ही कर दिया है। 2 घंटे में आपका आटा बहुत अच्छे से फूल के डबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने केक का टिन लिया है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बेकिंग पेपर यूज़ किया है, ताकि चीज़ हमारा मेल्ट होकर टिन में चिपके ना। इस पर हम छिड़केंगे थोड़ा सा मक्की का आटा, इससे बेस में अच्छा क्रिस्प आता है। और इसमें हम डो को डाल के उंगलियों से, हाथों से ही इसको चारों तरफ गोल फैलाएंगे। इसको हमें बेलन से नहीं बेलना है, ताकि अगर हम बेलन से बेलेंगे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसके अंदर की जो जाली बननी होगी वो आपस में चिपक जाएगी। तो इसको हल्के हाथों से ही आप चारों तरफ टिन में इस तरीके से फैला लें। और उसके बाद यहाँ मैं लूँगी एक फोक, और फोक की हेल्प से इस सारे हमें डो को बीच में से प्रिक करना है। इसमें छेद छेद करने हैं, और इसको आप सिर्फ बीच में ही करें, साइड साइड में ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं साइड से हमारा डो थोड़ा सा फूले और सेंटर से नहीं, वरना वो ब्रेड जैसा ऊंचा फैल जाएगा। तो यहाँ मैं इस पर लगाने वाली हूँ शेज़वान चटनी। मैं अक्सर पिज़्ज़ा में शेज़वान चटनी ही यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाना है उसकी रेसिपी बताऊँगी। तो जब तक नहीं आ रही है मेरी वीडियो, तब तक आप शेज़वान चटनी से काम चलाएँ, बहुत टेस्टी लगता है शेज़वान चटनी भी। इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लें, साइड साइड में हमें थोड़ा सा छोड़ना है, एकदम हमें किनारे तक शेज़वान चटनी नहीं फैलानी है। और इस तरीके से फैला के हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। सबसे पहले यहाँ मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, जो अमूल का क्यूब्स में आता है।
तो आपको जितनी क्वांटिटी आप अच्छे डाल सकते हैं आप उतना डालें, चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा मेल्ट होके टेस्ट देगा। तो थोड़े से यहाँ मैंने डाले प्रोसेस चीज़ और थोड़े से मैंने डाले यहाँ पे मोज़रेला चीज़। ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है वो जब बेक होता है तो मेल्ट हो जाता है बहुत अच्छे से, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, जो आपको सिर्फ मोज़रेला या सिर्फ प्रोसेस चीज़ में नहीं आएगा। तो आप दोनों चीज़ यूज़ करें अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ हम मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स हेल्दी भी होते हैं और पिज़्ज़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करें, चाहे तो लंबे लंबे पतले स्लाइस में कट करें। मैंने यहाँ बच्चों के कारण इनको छोटे पीसेज में कट किए ताकि बच्चे इनको आराम से खा लें। बड़े पीसेस देख के बच्चे अक्सर उनको साइड में रख देते हैं निकाल के। और ये पनीर पिज़्ज़ा है तो इसमें पनीर तो डलेगा ही, तो आप पनीर फ्रेश पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, होममेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं और जो फ्रोज़न पनीर आते हैं क्यूब्स में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये सब कुछ डेकोरेट करने के बाद जब हमने ये पिज़्ज़ा और वेजिटेबल्स डाले हैं आप इसके ऊपर भी थोड़े से पनीर क्यूब जो है चीज़ के जो क्यूब्स हैं उसको ग्रेट करके आप थोड़ा सा और चीज़ डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने बेस में ही बहुत सफिशियंट चीज़ डाला है तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको और ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इस पे मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा ऑरेगैनो। ये पिज़्ज़ा का ही मिक्स ऑरेगैनो है जिसमें चिली फ्लेक्स भी मिक्स है इसमें, तो इसको भी आप बेक करने से पहले इस पे इसी तरीके से छिड़क दें। और इसको मैं बेक करूँगी 200 डिग्री पे 20 to 25 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। मेरा ओवन बड़ा था इसलिए 25 मिनट में हुआ है। आपका ओवन अगर 25 लीटर तक है या 30 लीटर तो आपका 20 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा ये। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो जो 7 इंच और 8 इंच का जो पिज़्ज़ा बनता है उसको हम 6 पीस में कट करते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम कट करेंगे तो उसके पीसेस बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।